दुनिया के सबसे लंबे आदमी का विश्व रिकॉर्ड अक्सर बदलता रहता है, लेकिन इसी से जुड़ा एक विश्व रिकॉर्ड ऐसा भी है जो 80 साल से बरकरार है। 1940 से अब तक उस रिकॉर्ड को कोई भी नहीं तोड़ सका है। ये रिकॉर्ड है इतिहास के सबसे लंबे आदमी के तौर पर विख्यात रॉबर्ट वार्डलो का। लेकिन इससे पहले आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वो दुनिया के अब तक के सबसे लंबे व्यक्ति के तौर पर जाने जाते हैं। उनकी लंबाई 8 फीट 11.1 इंच थी। इतना लंबा व्यक्ति उनके बाद आज तक धरती पर कोई पैदा नहीं हुआ। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम आज भी दर्ज है। रॉबर्ट अमेरिका के एल्टन इलिनॉइस शहर से रहने वाले थे। 12 फरवरी 1918 को जन्मे रॉबर्ट के माता पिता तो सामान्य ऊंचाई वाले थे, लेकिन उनकी ऊंचाई जन्म के कुछ महीने बाद से ही बेतहाशा बढ़ने लगी थी। महज 6 महीने में ही उनकी लंबाई 3 फीट के करीब हो गई थी, जबकि उनके जितने ऊंचाई पाने वाले सामान्य बच्चों को कम से कम 2 साल का वक्त लग जाता है। साल 1936 में महज 18 साल की उम्र में रॉबर्ट ने दुनिया के सबसे लंबे आदमी का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। उस समय उनकी ऊंचाई 8 फीट 4 इंच थी। वैसे आमतौर पर लोग 9, 10 या 11 नंबर का जूता पहनते हैं, लेकिन एक जूते बनाने वाली कंपनी ने रॉबर्ट के लिए खास जूते बनाए थे जिसका साइज 37AA था। रॉबर्ट की असाधारण लंबाई के बढ़ने का मुख्य कारण उनकी पीयूषी ग्रंथि का बढ़ना था। हालांकि ज्यादा लंबाई रॉबर्ट के लिए घातक सिद्ध हुई, जिसकी वजह से 15 जुलाई 1940 को महज 22 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा।